नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइज आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के अंदर आई परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब ओपनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बेस्ट पार्ट दोस्तों यहां पे ये कि अगर आप यहां पे सिलेक्ट होते हैं तो आपको दोस्तों यहां पे बहुत सारे टॉप लेवल के पॉक और बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपको कंपनी आपके लिए डेडिकेटेड लैपटॉप देती है। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपके वाईफाई का रिइंबर्समेंट है, मोबाइल का रिइंबर्समेंट है, आपकी आपके फैमिली की हेल्थ की मेडिकल की सबकी इंश्योरेंस मिल रही है आपको दोस्तों। इसके बाद पीएफ है यहां पे, लीव की पॉलिसी है यहां पे, जो भी ज्वाइनिंग करते हैं उनको एक बोनस मिलता है। और ऐसे दोस्तों टोटल 20 यहां पे आपको पॉक और बेनिफिट मिलने वाला है। दैट इज वेरी अमेजिंग दोस्तों, मतलब बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों जिस कंपनी के अंदर हम काम करने वाले ये भी दोस्तों बहुत टॉप क्लास है। हर साल इनको हमेशा कुछ ना कुछ नए अवार्ड जीतते रहे ये, और हमेशा ये बेस्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर दोस्तों आते रहे हैं। जिसका नाम गाइज यहाँ पे होने वाला है स्पेक्ट्रा फोर्स, यहाँ पे आपकी जॉब की ओपनिंग होने वाली है। अब गाइज यहाँ पे आपको कंप्लीटली नॉन सेल्स की कोई भी सेल्स टारगेट की प्रोफाइल नहीं मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप पूरे भारत में किसी भी लोकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। और यहाँ पे आपको HR का डिटेल मतलब ईमेल आईडी मिल चुकी काफी सारे, 3-4 दोस्तों मैं आपको ईमेल आईडी देने वाला, तो आप वहां से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस ओपनिंग बहुत टॉप क्लास है। डिटेल में इस वीडियो में क्या अप्लाई कैसे करना है, जॉब रोल क्या है, सैलरी पैकेज क्या, सैलरी भी दोस्तों बहुत टॉप क्लास है, ऑलमोस्ट 6 लाख की सैलरी पैकेज होने वाली है। तो सारे डिटेल यहाँ समझ के आप अप्लाई जरूर कर देना। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप हम वीडियो में आगे बढ़े, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन दबा देना, और अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक भी कर देना। अब दोस्तों मुझे आपको इस जॉब के अपडेट के साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना है। अब गाइस देखो आज के टाइम पे जहां सारे कंपनियां क्या देख रही है कि आपके अंदर मतलब डिग्री चाहिए, आपके अंदर आपने Tier 1 कॉलेज से पढ़ाई करा, आपने Tier 2 से पढ़ाई करा है, या आपने MBA करा है, पर दोस्तों उसी जगह पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि कोई भी आपसे डिग्री नहीं मांगती है, कोई भी आपसे यहाँ पे आपने Tier 1 से करा, 2 से करा, मतलब आपकी जो भी एजुकेशन है डजंट रियली मैटर एट ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जहाँ पे दोस्तों बस आपको अपने स्किल को प्रूफ करना है, मतलब आप स्किल्ड है, आपके अंदर जिस भी इंडस्ट्री में आपको जॉब करना है उस इंडस्ट्री का आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई भी पैसे कुछ भी नहीं पे करना, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको टेस्ट क्लियर करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिलेवल भाई अनअकैडमी के बारे में, आप सबने इतनी बार सुना है नाम इसकी, तो यहाँ पे बस आपको एक टेस्ट को क्लियर करना है, जिसको आप एक बार टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप फेल हो रहे हैं दोबारा ट्राई कर सकते हैं, आपने जो भी लर्निंग सीखी उसको आप दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। तो ऐसे करके 2-4-5 यहाँ टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, और जैसे आप टेस्ट क्लियर करेंगे 500 नंबर लेके आएंगे, बस 50% लेके आना है। उसके बाद दोस्तों आपको गारंटीड 15 डेज के अंदर जॉब के काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वहां से आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब करना क्या करना है वो चूज कर सकते हैं। अब गाइस इन सब के बाद स्टिल यू थिंक कि आप यहां पे नहीं क्लियर कर पा रहे, तो आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए यहां पे रिलेवल ने प्रॉपर एक कोर्स लॉन्च करा है, जिसको दोस्तों आप अवेल कर सकते हैं, जहां आपको डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा। और बेस्ट पार्ट दोस्तों कोर्स का ये कि ये कोर्स में आपको 14 डेज का रिफंड गारंटी मिल रहा है, मतलब अगर आपको कोर्स नहीं जम रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप दोस्तों 14 दिन के अंदर रिफंड ले सकते हैं। कोई भी आपसे सवाल जवाब, कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। और इसके बाद दोस्तों बेस्ट पार्ट ये है कि आप इस कोर्स के सारे ही मटेरियल को, जो भी लाइव यहाँ पे क्लासेस है, जो भी रिकॉर्डिंग क्लासेस है, सारे मटेरियल बेसिकली आप घर बैठ के अपने मोबाइल फोन में ही अवेल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे यू डोंट रिक्वायर अ लैपटॉप और सिस्टम, आप किसी भी लोकेशन में इंडिया में ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप मोबाइल फोन से इजीली उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सारा बेस्ट पार्ट यहाँ पे रिलेवल बाय अनअकैडमी का। तो मैं आपको यहाँ पे टेस्ट का भी लिंक दे दूंगा, यहाँ पे कोर्स का भी लिंक दे दूंगा, आपको जो दोस्तों कंफर्टेबल लगे आप उसके लिए आप आज ही अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अपने जॉब ओपनिंग के बारे में। अब गाइस आप देख सकते हैं मैं बेसिकली इनके जॉब ओपनिंग पे आ चुका हूँ। ये दोस्तों आपका जो प्रोफाइल ये लोग आपको देने वाले, ये आपका होने वाला है USIT रिक्रूटर प्रोफाइल पे आप यहाँ काम करने वाले हैं। और दोस्तों कंपनी जो ये आपकी होने वाली है स्पेक्ट्रा फोर्स, जिसके बारे में गाइस आप देख सकते हैं यहाँ बेसिकली मैंने एक और पेज ओपन कर रखा है, जहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं हर बार मतलब 21 में उन्होंने अवार्ड जीता इतना सारा। इसके बाद दोस्तों 20 में बहुत सारे अवार्ड जीत रखे हैं, 19 हो गया, 13 से 17 के बीच में हो गया, मतलब काफी बेस्ट यहाँ पे कंपनी आपको मिलने वाली है। और इसके बाद आप ऑब्वियसली यहाँ पे बेनिफिट और पॉक देख सकते हैं, आपको ये 20+ दोस्तों आपको यहाँ पे पॉक और बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो इस कंपनी बहुत लाजवाब है, तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस से डिटेल समझ के सारे अप्लाई जरूर कर देना। अब गाइस देखो यहाँ प्रोफाइल की बात कर ली, सैलरी पैकेज की बात करो तो ये आपको देने वाले तकरीबन यहाँ पे 6 लाख की सैलरी पैकेज आपकी यहाँ पे होने वाली है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कितना स्ट्रांग जाता है, मतलब आप ही मान लो जो एवरेज सैलरी पैकेज ये आराम से आपका
40,000 से 45,000, 50,000 रुपए के लमसम यहाँ पे आपकी सैलरी पैकेज यहाँ पे इनहैंड के आने वाली है, जो कि दोस्तों कंप्लीटली डिपेंड करता है कितना अच्छे से आप यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर करते हैं। अब गाइस देखो, यहाँ पे जॉब रोल की बात करो तो यहाँ बेसिकली आप काम करने वाले हैं आईटी रिक्रूटर के प्रोफाइल पे, यूएस के लिए हायरिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो काम है कंप्लीटली आपका रिक्रूटमेंट वाला होने वाला है। मतलब यहाँ पे पहले लोगों को शॉर्टलिस्ट करना, मतलब पहले तो लोगों को फाइंड आउट करना लिंक्डइन के थ्रू, naukri.com के थ्रू ऐसे फाइंड आउट करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पहले उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करनी है, उनसे कॉन्टैक्ट करना, रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करना, ये सारा काम है। इसके बाद उनका इंटरव्यू लेना, उनको भी सिलेक्ट करना, रिजेक्ट करना, नेक्स्ट राउंड के लिए क्लाइंट के पास भेजना। मतलब बेसिकली दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कंपनी काफी सारे क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को हायर करते, तो उनको भेजना, वो फाइनल राउंड करते, तो उसके बाद उनका प्रोसेस करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, उनकी ज्वाइनिंग करवानी, ये सारा काम दोस्तों यहाँ पे आपका एज ए यूएस रिक्रूटर होने वाला है। दोस्तों देखो, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएशन है वो मिनिमम, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्वालिफिकेशन जो है बीटेक हो या फिर आईटी हो या फिर बीसी हो या फिर कंप्यूटर साइंस। मतलब बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ऑल्दो इन्होंने कई बार बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और भी इनके प्रोफाइल में ओपन कर रखा, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे इतनी सारी स्किल्ड है, तो मतलब बेसिकली मेरा मतलब ये कहने का कि अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट, सपोज कि आपने बीकॉम करा है फिर बीएससी करा है और आप में थोड़ी सी टेक्निकल स्किल है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, आपको एचआर की प्रोफाइल की कुछ बेसिक नॉलेज है, या फिर आपने कोई एचआर में ही कोर्स कर रखा है, तो इनके रिगार्डिंग आपके ने कोई कोर्स वगैरह कर रहा है, आपका कॉम स्किल स्ट्रांग है, आपको लगता है कि आप लोगों को की इंटरव्यू ले सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, आपके अंदर वो सारी स्किल है, आप दोस्तों यहाँ पे एज ए नॉर्मल ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी इनके काफी सारे वीडियो बनाए और वहां पे नॉर्मल ग्रेजुएट भी हायर करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब गाइस देखो, इसके अलावा यहाँ पे आपको पावर पॉइंट का, एक्सेल का प्रॉपर डिटेल नॉलेज होना चाहिए, और इसके बाद आपका कॉम स्किल स्ट्रांग हो, आप में एक इंटरपर्सनल स्किल अच्छी हो, तो ये सारा दोस्तों यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो बहुत लंबी चौड़ी ये इन्होंने लिखी है, जिसको दोस्तों रेपिटेटिव चीजें, तो यहाँ पे पूरा पढ़ने का भी मतलब नहीं बनता है। और यहाँ पे ऑब्वियसली दोस्तों आप यूएस शिफ्ट के अंदर काम करने वाले, तो नाइट में भी आपको काम करना पड़ेगा, तो आप नाइट की शिफ्ट के लिए भी यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। सो ये सारा डिटेल यहाँ पे, अब हम बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैं आपको देने वाला चार का ईमेल आईडी, तो मेरे को जो एक ईमेल आईडी मेरे पास ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी ये है, पर इसके अलावा मुझे यहाँ पे अगर एक दो तीन ईमेल आईडी और भी मिल जाएगा डिफरेंट एचआर के, मैं यहाँ पे तीनों ही ईमेल आईडी दे दूंगा। तो आपको तीनों को मेल पे टू में डाल करके आप तीनों को ही एक साथ मेल कर सकते हैं एक बार में ही। तो पहला काम आपको ये करना है, और जो भी रिज्यूम आप अटैच कर रहे हैं आपको दोस्तों ये ध्यान देना पड़ेगा कि उस रिज्यूम के अंदर वो सारे स्किल आपने ऐड कर रखे जो भी यहाँ पे इन लोगों ने डिमांड करे हैं। अगर आप इन जनरल नॉर्मल ही रिज्यूम भेज देंगे यहाँ पे, तो चांसेस आपका बहुत कम रहेगा कि आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो पहला काम आपको ये करना। सेकंड दोस्तों, यहाँ पे तीन लिंक है, एक है, दो है और तीन है, तीनों बिल्कुल लेटेस्ट है। तो यहाँ पे आपने तीनों ही लिंक, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी है, तो आपको यहाँ पे तीनों ही लिंक के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो तीनों लिंक से अप्लाई करना है, और सेकंड आपको तीनों ईमेल आईडी पे मेल कर देना है। तो ये दोस्तों सारा प्रोसेस फॉलो करना है आप अप्लाई करने के लिए। आगे रिस्पॉन्स क्या आएगा हमारे हाथ में नहीं है, पर जो एक्शन है वो तो आपके हाथ में, तो यहाँ पे एक्शन आपको स्ट्रॉन्ग ले लेना है, तीनों लिंक से अप्लाई करना है, और तीनों ही ईमेल आईडी पे आपको ईमेल भी करना है और रिज्यूम में चेंज भी करना है। तो ये सारा आपने प्रोसेस फॉलो करना है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सो दोस्तों ये होने वाली है आज की जॉब की अपडेट। अब दोस्तों अगर कोई अभी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका रह गया, कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे आके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक और नए ओपनिंग से, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।